आयत 1 पे डिस्कशन हो रहा है सूरह मज़ा की। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد। हर गीबत करने वाले ताने देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है, शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी, बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतूरों। अच्छा, अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमने लास्ट टर्न पे किया था वर्ड टू वर्ड एनालिसिस आयत 1 का, जिसमें हमने वैल देखा था, हुमजा देखा था और लुमजा देखा था। क्लासिकल स्कॉलर्स जो हैं उनकी कमेंट्रीज की लाइट में, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्कॉलर्स का वेरिंग ओपिनियन है इस बारे में कि हुमजा क्या है और लुमजा क्या है, और ये तक के दोनों ही टर्म्स हुमजा और लुमजा दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। एक की जगह दूसरा यूज किया जा सकता है, दूसरे की जगह पहले यूज किया जा सकता है। जैसे कि ये जितने भी स्कॉलर्स आप अभी देखेंगे यहाँ पे, तो कोई ये मानता है कि हुमजा क्या है, बैक बाइटिंग, गीबत, और लुमजा क्या है, किसी की गलतियां कंटिन्यूसली निकालते रहना हर वक्त। अब उज़ैद के अकॉर्डिंग हुमजा है हाथ से नुकसान पहुंचाना, लुमजा है जबान से नुकसान पहुंचाना। हुमजा है इंसल्ट करना फेस पे ओपनली और लोगों को ऐसे नाम से बुलाना जो उन्हें पसंद नहीं, और लुमजा हो सकता है इंसल्ट करना किसी के पीछे सीक्रेटली, वही गीबत एक तरीके से, और दूसरे का मजाक उड़ाना, जो हमारे पास बैठा है उसका फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू मजाक उड़ाना। और लोगों को जिनको कर्स किया गया, द पीपल हु आर कर्स्ड हियर आर दोज हु कंटीन्यूअसली इंसल्ट एंड अब्यूज पीपल, मतलब जिन लोगों को यहाँ पे कर्स किया गया, मतलब वेल बोला गया है, तबाही उनको जिन्हें अल्लाह ने वेल बोला है, तो वो लोग हैं जो कंटिन्यूसली दूसरे को इंसल्ट करते हैं और अब्यूज करते हैं, और दूसरे को ये जितनी भी चीजें जो वो कर रहे हैं, चाहे गीबत हो, चाहे उनकी हर वक्त गलतियां निकालना हो, अपने आप को बड़ा दिखाना हो, चाहे ये करना हो कि ये काम मैं करूँ तो बहुत ही अच्छा था, तुमने कितना बेकार किया, ये काम मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर उसको हाथ से या जबान से किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना, किसी की डिग्निटी को हर्ट करना, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराते रहना, ये सारी चीजें जो करी जाती है, या तो सरकैज़म के थ्रू की जाती है, मतलब हंस के इंसल्ट करना, या जेलिसी, मतलब हसद के वजह से की जाती है, या फिर किसी किसी की मजाक करने की भी आदत होती है और वो इसी तरीके से मजाक करते हैं कि दूसरे को बुरा फील हो रहा होता है, उसके लिए वो मजाक कुछ नहीं हो रहा। तो ये वेरिंग ओपिनियंस हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स ने बताए अपने हुमजा लुमजा के बारे में, तो ये मैंने यहाँ पे समराइज करा। अच्छा, अब ये जो हुमजा लुमजा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ दुनियावी जो मैटर्स है उनमें मजाक उड़ाया जाता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिलीजियस इश्यूज में भी बहुत ज्यादा होता है, चाहे किसी के अटायर को लेके हो कि कोई हिजाब नहीं पहन रहा वो हिजाब पहनने लगा या अबाय करने लगा, या किसी की बियर्ड नहीं थी वो बियर्ड रखने लगा, या कोई नहीं रख रहा है तो उसके पीछे पड़े हुए हैं या उसको ताने मार रहे हैं, या कोई रख रहा है पहले नहीं रख रहा था तो उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज में, या फिर सेक्स को ले, हर सेक्ट ये समझते हैं कि हम सही रास्ते पे और दूसरे सारे के सारे गलत रास्ते पे, ये बहुत एक कॉमन इशू उठा हुआ आज, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें कि दूसरे को बेकार समझना, अपने आप को सही समझना हर एतबार से, ये सारी की सारी चीजें हुमजा और लुमजा में आती है। अब हमने जितना भी अभी एनालिसिस किया, जितना भी गो थ्रू किया, उससे एक बात तो क्लियर हो गई, और वो ये कि वेल जब भी यूज हो रहा है कुरान में तो वो किस चीज से रिलेटेड यूज हो रहा है, किस चीज से एसोसिएट किया जा रहा है, किस क्वालिटी से एसोसिएट किया जा रहा है, बुरी क्वालिटी है ना, बुरे लोग,
Well is used to describe something ugly. In Quran, whenever well is used, it is always associated or followed by some bad characteristics. अभी हमने जितनी भी statistics जब हमने go through किया था, well कितनी बार आया Quran में 27 times, तो हमने कितनी सारी सूरत go through की थी कि वहाँ पे well used हुआ है, किस sense में used हुआ है. तो हमेशा हमें ये देखने को मिल रहा था कि कुछ बुरा हो रहा था तब well used हो रहा था, या कोई बुरा इंसान था तब well used हो रहा था. अब क्योंकि जो कुरान है, ऐसा नहीं है कि जब नाजिल हुआ था तो उसी वक्त के लोगों के लिए और उसी वक्त के लिए ही नाजिल हुआ था, ऐसा नहीं. हम जानते हैं कि कुरान क़यामत के आने तक हर वक्त और हर इंसान के लिए, ठीक है, क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे और क़यामत तक जो भी वक्त आएगा दुनिया, हर वक्त के लिए, हर इंसान के लिए कुरान नाजिल हुआ है. ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही टाइम के लिए था बस, और अभी उसकी एप्लीकेशन अभी मैटर नहीं करती. ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी वो एप्लीकेबल नहीं. तो आज अगर हम देखें तो जो हुमजा लुमजा जितनी भी हमने अभी गो थ्रू कर ली चीजें कि हुमजा में क्या आ रहा है, लुमजा में क्या आ रहा है, ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया. अभी बताया ना कि सबको क्लियर हो गया हुमजा लुमजा में क्या आ रहा है. जी उस्ताद, ठीक है, ये क्लियर हो गया. अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं है हुमजा लुमजा, ठीक है, सिर्फ यही शक्लें नहीं है. अगर हम आज देखें तो आज एक चीज जो बहुत ज्यादा वेलकम की जाती है, बहुत ज्यादा लाइट ली जाती है एंटरटेनमेंट के नाम पे, वो है कॉमेडी शोज, जो कि फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि देख सकती है, लेकिन वो अब वो देखने लायक रहे नहीं. ये खुद ही न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट है कि अब जो कॉमेडी शोज आ रहे हैं, पहले जब स्टार्ट हुई थी कॉमेडी तो कुछ अलग थी, तब स्ट्रगल दिखाई जाती थी, नॉर्मल जो मैं जो ले मैन है उसके स्ट्रगल्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको दिखाया जाता, उसको प्रेजेंट किया जाता था. लेकिन अब जो कॉमेडी शुरू हो गई है उसको नकार नहीं सकते हम कि ये खुद जो सेलिब्रिटीज इसमें कभी उसका पार्ट होके एंजॉय कर रहे थे वो शोज, अब वो खुद उसे क्विट कर रहे हैं ये कह के कि वल्गैरिटी एक नॉर्म बन गया, एक सैचुरेशन आ गया है कि अब हंसाएं तो कितना हंसाएं और लोग कितना हंसेंगे वही सेम बातों पे, चाहे टीवी शोज को ले लें, चाहे कोई सीरीज को ले लें, या किसी चैनल को, या किसी भी चीज को ले लें कॉमेडी के नाम पे, एक सैचुरेशन बिल्डअप हो गया, तो अब वल्गैरिटी की तरफ जा रहे हैं. और ये रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट से बकायदा. और बीच में अगर आपको पता हो तो 10 days के लिए ये बैन भी कर दिया गया था, जो कॉमेडी शोज होते हैं इनको 10 days का बैन लगा दिया गया था 2013 में, आई गेस. इतना ज्यादा इसमें वल्गैरिटी एक नॉर्म बन गया है, दूसरे के स्टेचर को, दूसरे की डिग्निटी को, हर बात को मजाक में उड़ा देना, मजाक बना देना, किसी भी सिचुएशन का मजाक बना देना. तो ये हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं और हंस रहे होते हैं बैठ के, और हमारे बच्चे भी साथ में हंस रहे होते हैं बैठ के. लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि हमारे दिमाग से अगर, हमारे दिमाग में अगर कोई बात आ रही है, हमारा जो दिमाग है ना वो कंटिन्यूसली, चाहे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे, कुछ ना कुछ मैसेज एक्सेप्ट करता रहता है. हमारे कानों से और आंखों से जो बात भी गुजर के जाती है, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट ना पड़े. वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी का एक जुज बनती है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है. तो हम वो जो इनोसेंट माइंड्स हैं उनको भी दिखा रहे हैं और हम भी देख रहे हैं. ज़्यादातर ये बहुत कॉमन है और ये हुमजा लुमजा में ही आता है कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी भी चीज़ का खेल बना देना, कुछ भी किसी के भी कैरेक्टर को उठा के उसकी मिमिक्री करके उसकी हंसी बनाना, ये सारी की सारी चीजें इसी में आती. अब जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हुमजा लुमजा, जो कि एक्सट्रीमिटी है, एक्सट्रीम बिहेवियर है इमोरालिटी का, इस पे जाके जिन्होंने हुमजा लुमजा किया था, उन लोगों के बारे में भी कुरान में जिक्र आया है, उनके बारे में भी, उनके कंटेक्स्ट में भी कुरान में सूरतें और आयतें नाजिल हुई है. अब वो जो कैरेक्टर है, कौन थे ये लोग, इनके बारे में जानने से पहले, इन लोगों के कैरेक्टर के बारे में जानने से पहले, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ये काम बहुत ज़्यादा पीक पे जाके किया था, उनके बारे में जानने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझ लेने चाहिए ताकि हम उनके कैरेक्टर को अच्छे से समझ पाए. और वो पॉइंट्स ये हैं कि हमास और हुमजा में क्या डिफरेंस. हुमजा हम देख चुके हैं, ठीक है, अब आया वर्ड हमास, इसमें क्या डिफरेंस. इसमें ये डिफरेंस है कि हुमजा हमें पता है, गइबत करना, चुगली करना, ताने मारना, किसी को नीचा फील कराना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को इमोशनली हर्ट करना, किसी को परेशान करना, अनॉय करना. अच्छा, अभी जो हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग राय है, तो
उसके साथ ही जो अरबिक की डिक्शनरीज है, क्लासिकल अरबिक डिक्शनरीज है, लिसानुल अरब, बहरल मुहीत, तो इन डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग भी हमजा जो होता है वो मैं बता दूं यहाँ पे, वो होता है किसी को अनॉय करना, किसी को परेशान करना, और फिर जब वो परेशान हो जाए, जब वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसके चेहरे पे जो परेशानी है, जो अनॉयंस है, उसको देख के प्लेजर हासिल करना, उसको देख के मजे लेना, मतलब पहले किसी को परेशान किया, अब उसको परेशान देख के खुश हो रहा, ठीक है, ये हुमजा है। और उन्हीं डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग लुमजा क्या है, कंटिन्यूसली, परसिस्टेंटली, रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली, किसी की गलतियां, लगातार किसी की गलतियां निकालते रहना, 24 घंटे, हर महीने, हर दिन, हर साल, बस गलतियां निकालते रहना दूसरे की, और फिर उसे एक्यूज करना, उस पर तोहमतें लगाना, उस पर एक्सपोज करना, गलतियां निकाल रहे फिर उसको फैला रहे इधर उधर, ठीक है, एक्सपोज करना उसको, और उसको ह्यूमिलिएट करना, उसको बेइज्जत करना, ठीक है। तो हमारे लिए जिसकी आदत है उसके लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि बस किसी का कुछ देखा और इधर बोल दिया उधर बोल दिया, लेकिन ये बहुत खतरनाक बिहेवियर है, और इसके लिए अल्लाह ताला ने वैल बोला है, तो हमें इससे सावधान रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हुमजा और हमाज में क्या डिफरेंस है। तो जब भी कोई किसी फील्ड में एक्सेल करता है, मतलब किसी फील्ड को मास्टर करता है, वो काम बहुत अच्छा करता है जो उसका है, तो उसको जो टाइटल दिया जाता है वो फाल के वेट पे दिया जाता है अरबिक में, जैसे कि वहाब, प्रोफेशनल गिवर, अल्लाह की, अल्लाह का नाम अल वहाब, मतलब वो इतना देता है कि उसके जैसे जितना कोई दे नहीं सकता, है ना। खब्बास मतलब प्रोफेशनल ब्रेड मेकर, ये अरबिक में एक वर्ड है, ठीक है, वो इतनी अच्छी ब्रेड बनाता है कि उसके जैसे कोई बना नहीं सकता। अल गफ्फार, ऑलवेज फॉरगिविंग, ऑलमोस्ट लाइक इट्स हिज जॉब टू डू सो। गफ्फार मतलब हमेशा माफ करना, हमेशा माफ करना, इतना ज्यादा माफ करने वाला कि उसके जितना कोई माफ करने वाला है, ठीक। तो ये जब भी कोई किसी फील्ड में एक्सेल करता है तो उसे फाल के वेट पे टाइटल दिया जाता है, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया। वैसे ही हमाज, ये भी फाल के वेट पे है, और जो फाल के वेट पे जो दिए जाते हैं टाइटल, तो फाल जो होता है ना वो इंटेंसिफाई कर देता है मीनिंग को, उसे वेटी बना देता है, ठीक है। तो वैसे ही जो हमाज है वो क्या है, प्रोफेशनल इन द आर्ट ऑफ इंसल्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। हमजा क्या था, एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोरालिटी, और हमाज कौन है, जो इस इमोरालिटी को कर रहा है एक्सट्रीम पे जाके। हमजा क्या है, इमोरालिटी को करना एक्सट्रीम पे जाके, और करने वाला क्या है, इस काम को क्या बोलेंगे, हमजा, और करने वाला कौन है, हमाज, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमाज इन शॉर्ट कौन होता है, हमाज वो होते हैं जो प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग होता है, और इस तरीके से इस उसको ये फन आता है कि वो दूसरे को इस तरीके से इंसल्ट करता है, इस तरीके से क्रिटिसाइज करता है, दूसरे को इतना इतना ज्यादा अच्छे से बेइज्जत करता है, ऐसा लगता है जैसे कि उसका काम ही है, ठीक है, उसका पेशा ही है ये, प्रोफेशनल तरीके से ये वाला काम करता है एकदम परफेक्शन के साथ। तो कुरान में जिन लोगों ने हुमजा लुमजा करके हमास का रोल प्ले किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में, और इस्लाम को फैलने से रोकने की कोशिश की है यही वाला रोल प्ले करके, तो देखते हैं कि कुरान उनके बारे में क्या कहता है। कुरान उनके बारे में कहता है, And scorner going about with malicious gossip. इस सूरह अल कलम की आयत 11 है, मतलब चुगली करने वाला, हाँ, ताना मारने वाला, चुगली करने वाला, जो इधर उधर की बातें लेके इधर उधर करते है, ठीक है, कोई बात ली और उसको अपने तरीके से बनाया और इधर उधर कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुरान में नाजिल हुआ है, उन लोगों को रिफ्यूट करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अच्छा एक पॉइंट ये है कि जब भी हमाज की बात होगी या हुमजा की बात होगी तो हम कि वेल्थ की बात हो रही है, मतलब ये हुमजा करने वाले और ये हमाज जो होते हैं ना, इनका वेल्थ से ऐसा कनेक्शन होते लोग होते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी दावत आम की थी, जब उन्हें जा रहे होते हैं कि जो आखिरत है वो हक है, ठीक है, और तुम्हें एक दिन उठाया जाएगा, और बेटा नहीं मान रहा होता, ये हमने वैलका आमीन के अंडर डिस्कस किया था कि माँ बाप फिर उसको वैलका आमीन बोलते हैं, मतलब तबाही हो तुम, ठीक है, अफसोस हो तुम पर, तबाही हो तुम, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ भी जो एनालॉजी दी गई है तो उसमें सिर्फ क्वालिटीज बताई गई है उस इंसान की, उस इंसान को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं किया,
और जो क्वालिटीज बताई हुई है वो इशारा उन लोगों के लिए काफी है। अरबी उनकी जबान थी, कुरान को बहुत अच्छे से समझते थे, वो एक एक चीज की समझते थे, दिल में जानते थे, हक मानते थे कि कुरान जो है वो अल्लाह का ही कलाम है। तो यहाँ पे नहीं बताया गया डायरेक्ट कि ये किसको बोला गया, लेकिन इसके कुछ ना कुछ हमें कुरान में फैले हुए मिलते हैं प्रूफ्स के किसकी तरफ ये इशारा हो सकता है। ठीक है, तो क्वालिटीज क्या बताई है यहाँ पे उस इंसान के बारे में? क्वालिटीज ये बताई हैं यहाँ पे कि वो इंसान ताना मारता है, चुगली करता है, भलाई के रास्ते से रोकता है, और लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काता है, ज्यादती करता है और जुल्म करता है। ठीक है, और माल और माल की मोहब्बत में बहुत बुरी तरह मुब्तला है। ठीक है, ये सारी उसके क्वालिटीज थी। और लास्ट क्वालिटीज, मेन क्वालिटी, वो क्या करता है कि कुरान को कहता है कि ये पुराने लोगों की किस्से कहानियां हैं, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये पुराने लोगों की किस्से कहानियां हैं। ठीक है, तो कुरैश जो थे, तो अभी आपको समझ में आ गया कि जो कुरैश के लोग थे वो क्या करते थे, जो काफिर थे, मुशरिक थे, वो क्या करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम्मास को भेजते थे, मतलब ऐसे प्रोफेशनल्स को भेजते थे जो उनके मैसेज को जाके, उनकी डिग्निटी को जाके क्रिटिसाइज करते थे, उनके मैसेज को अटैक करते थे ताकि इस्लाम फैलने से रुक जाए और लोग उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक करने लगे। ठीक है, अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक किस्सा यहाँ पे हम शेयर करेंगे, वो ये है कि एक दो जगह एक इंसान की बात हुई है कुरान में, जो कि बनू मखज़ूम का चीफ था, वलीद इब्न मुगीरा, इनका नाम आपने सुना होगा, ये बहुत बड़े सहाबा के वालिद हैं, हजरत खालिद बिन वलीद के, जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था और 19 साल कुफर में बिताने के बाद अल्लाह ने उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सैफुल्लाह का लकब दिया, अल्लाह की तलवार का लकब दिया, और कोई भी ऐसी जंग नहीं है जिसमें वो शामिल हुए और वो जिस साइड पे थे वो जीती ना हो, ताकि कयामत तक किसी इंसान को ये कहने का मौका ना मिल जाए कि अल्लाह की तलवार टूट गई, अल्लाह की तलवार कट गई, यहाँ तक कि उन्हें शहीद होने की इतनी ज्यादा चाहत थी, वो चाहते थे मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन वो उनको शहीद होना भी नहीं नसीब हुआ क्योंकि वो सैफुल्लाह थे। जैसे कि हम आगे चल के पढ़ेंगे नारुल्लाह, अल्लाह की जलाई हुई आग, तो वो कोई इतनी आम आग नहीं है जिसकी झलक अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, वैसे ही किसी को सैफुल्लाह लकब दे देना कोई आम बात नहीं, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लकब दिया, तो अल्लाह की मर्जी पे ही दिया कि किसी इंसान को अल्लाह की तलवार का है, उसका मकसद ही यही बनाया अल्लाह ने कि मैंने अपनी तलवार को पैदा किया है जो दीन को कायम करेगी इंशाल्लाह। तो वो जब ईमान लाए तो अल्लाह ने उनको रोम और पर्शिया जैसे एम्पायर पे मुसल्लत कर दिया, जिधर वो जाते थे इतने एक्सेलेंट वॉरियर थे वो कि आधी हिम्मत तो दुश्मन की पहले ही खत्म हो जाती थी, उनको पता होता था कि क्या होने वाला हमारा शहर। तो ये उनके वालिद थे, वलीद इब्न मुगीरा आदमी थे, बहुत ज्यादा जाने माने, बहुत इंटेलिजेंट, और ये इनका इनका आलम ये था कि लोग जो थे इनके साथ वाले जितने भी लीडर्स थे कुरैश के, उनसे कहते थे कि अगर किसी को अरबी में, ये ओपन चैलेंज देते थे कि अगर किसी को अरबी में मुझसे अच्छी शायरी करनी आए तो मेरे सामने आओ, और कोई इनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता था क्योंकि ये बहुत अच्छी शायरी करते थे अरबिक में, बहुत अच्छा ने कमांड था अरबिक लैंग्वेज। तो जब इन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरबिक में कुरान पढ़ रहे हैं और लोग उसे, और इनको दिल में ये भी लगता था सबको कि वाकई अल्लाह का कलाम है, तो इन्हें समझ नहीं आता था कि कलाम को नीचा कैसे दिखाया जाए और अपनी पावर और अपने स्टेटस को कैसे बचाया जाए। तो इन्होंने कहा चलो वलीद को भेजते हैं और हम जरा दूर बैठ के तमाशा देखेंगे। तो इन्होंने भेजा वलीद को, जब भेजा तो वलीद साहब गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और उनके साथ यही वाली हरकत करना शुरू कर दी जिसे हम उमजा लुमजा में ही काउंट करते, बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों कर रहे हो तुम ये सब इतनी मेहनत, तुम्हें पैसे चाहिए दे देंगे बताओ कितने चाहिए, तुम्हें लीडरशिप चाहिए चलो वो भी बताओ वो भी दे देंगे, या तुम्हें औरतें चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ऐसी बातें करने लगे कि तुम्हें औरतें चाहिए बताओ कौन कौन सी औरतें चाहिए तुम्हारे सामने, औरतें खड़ी कर देंगे तुम औरतें ले लो। तो ये सारी चीजें करने के बाद अल्लाह के रसूल बोले कि हो गए फारिग, बोल लिए अपनी बात, जब वो चुप हो गए हाँ कि हाँ बोलिए बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-फुस्सिलत की पहली आयत पढ़ने शुरू की, और जैसे ही उन्होंने पढ़ने शुरू किया सिंपल कुरान पढ़ने शुरू किया, कुछ नहीं कहा जवाब में, कुरान पढ़ने शुरू किए,
जैसे ही इन्होंने सुना, वलीद इब्न मुगीरा ने कुरान सुना, अब कुरैश के जो लीडर्स थे बाकी वो दूर से बैठ के तमाशा देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि बड़ा मजा आने वाला है, बेइज्जत करके आएंगे, थोड़ा नीचा दिखा के आएंगे, बहुत कमांड हासिल लेने अरबी पे, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या, बदले में रोने लगे वलीद इब्न मुगीरा, वहां खड़े होकर रोने लगे कुरान सुनते। फिर बहुत सारी आयात आई अजाब की भी आई, फिर थोड़े टाइम बाद दहाड़ दहाड़ के रोने लगे, बुरी तरह रोने लगे, चीख चीख के रोने लगे, इतना ज्यादा रोने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पे हाथ रखा, बोले कि तुम चुप हो जाओ, तुम बस करो बस करो। ये दोनों ने चुप कराया, फिर ये वापस लौट गए। जब ये अपने लोगों के पास पहुंचे तो वो बोले कि तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है चेहरे का, तुम गए तो थोड़ा अलग तरीके से आए, अलग तरीके से। तो इन्होंने कहा वलीद इब्न मुगीरा ने कि देखो कोई जादू वादू नहीं है, कोई फायदा नहीं है मैसेज को नीचा दिखाने से, क्योंकि तुम मानो ना मानो इस कलाम पे कोई छा के नहीं रहेगा, ये कलाम हर चीज पे छा के रहेगा। तो इन लोगों को इस दर्जे का फहम था कि ये वाकई में अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं। लेकिन अब मैंने आपको एक केस बता दिया इस इंसान का, वलीद इब्न मुगीरा का, लेकिन फिर भी आप हिम्मत देखें जरा। इनकी मीटिंग होती है, कुरैश के लीडर्स की इनकी मीटिंग होती है, हज का महीना आने वाला था, इसलिए ये मीटिंग करते हैं कि हाजी आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम एक्सेप्ट कर लें इम्प्रेस होके, जैसे हम इम्प्रेस हो रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन हम अपने स्टेटस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमारी लीडरशिप चली जाएगी, अल्लाह को मान लेंगे लीडर तो फिर हमारा क्या होगा, हमें कौन लीडर मानेगा। तो इन लोगों ने मीटिंग रखी कि कैसे भी करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेम करना है और इनसे लोगों को दूर रखना है। लेकिन इन्होंने सोचा कुछ था, उसका अंजाम कुछ हुआ। इन लोगों ने सोचा था कि इनको बदनाम करेंगे, लेकिन हुआ ये कि इनके बदनाम करने के चक्कर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका मैसेज, कुरान का, इस्लाम का मैसेज और फेमस हो गया पूरे अरब में और बाकी की जगहों में भी जहां जहां से हाजी आए। मीटिंग में इन्होंने क्या किया, मीटिंग में सारी बातें ये हुई कि क्या बोले लोगों से, कैसे दूर रखा जाए। जादूगर बोले तो वलीद इब्न मुगीरा ने कहा नहीं नहीं जादू नहीं है, ये हो नहीं सकता जादू। फिर अबू जहल ने कहा तो क्या है फिर, काहिन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ु बिल्लाह। तो वलीद इब्न मुगीरा बोले नहीं भाई, हमारे सामने पला बड़ा है, अच्छी खासी डिग्निटी है, कोई मानेगा भी नहीं, हम उसे काहिन बोलेंगे तो कोई जिनमें का असर नहीं उसके ऊपर। फिर ये बात हुई कि शायर बोल दे, तो वलीद इब्न मुगीरा फिर बोले कि नहीं नहीं शायर नहीं है ये इंसान का कलाम है ही नहीं। तो अबू जहल और बाकी लोगों को लगा कि शायद मुगीरा साहब भी गए, ये भी लग रहा है मुसलमान होने वाले हैं, तो टेंशन में आ गए। तो अबू जहल ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होके फिर बोला तो क्या करें फिर, आप ही बता दीजिए सोच के। तो फिर उन्होंने बहुत दिमाग लगा के बोला, वलीद इब्न मुगीरा ने जो रो रहे थे उस टाइम कुरान सुन के, कि लोगों से हमें कोई भी अलग अलग बात नहीं कहनी, कि कोई कहेगा शायर, कोई कहेगा जादूगर, कोई कहेगा काहिन, कोई भी अलग बात नहीं कहनी, हमें सिर्फ एक बात कहनी। और वो एक बात ये कहेंगे हम कि ये इंसान जो है ये कोई पुराने तरीके का जादू है जो चला आ रहा है, और ये ऐसा जादू है, और ये कुरान पुराने लोगों की किस्से कहानियां है, ठीक है, और जिस तरीके का ये जादू कर रहा है ये ऐसा जादू है जो फैमिलीज में टाइज ब्रेक कर रहा है, फैमिलीज को तोड़ रहा है, बाप को बेटे से अलग कर रहा है, बेटे को माँ से अलग कर रहा है, भाई को बहन से अलग कर रहा है, हस्बैंड को वाइफ से अलग कर रहा है, ये जादू लोगों में जुदाई डाल रहा है। और ये एक्सेप्ट करना लोगों के लिए आसान था, क्योंकि वाकई में जो इतने स्ट्रांग रिलेशनशिप्स थे, इतने स्ट्रांग टाइज थे, वो तोड़ तोड़ के इंसान अल्लाह से रिश्ता बांध रहा था, अपने बाप को छोड़ के, अपनी बहन को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के, सब लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल कर रहे थे और अपना घर घर से निकाले जा रहे थे, घर छोड़ रहे थे। तो ये उनको ठीक लगा वलीद इब्न मुगीरा को, तो हम ये बताएं। इस बात पे अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आया, क्योंकि वो एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, अरबिक पे बहुत अच्छा कमांड था, बाकी लोगों की जो बात थी कम से कम ऐसा पढ़ा लिखा इंसान तो ऐसी हरकत ना करता। अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आया, इतनी नाराजगी हुई इस बात पे, कि अल्लाह ताला ने सूरह मदसर में इतनी खतरनाक, इतनी सख्त बात बोली इनके लिए कि मैं इन्हें आग में झोंक दूंगा। मैं ही था ना वो अकेला जिसको पैदा किया इस इंसान को,
अब जिनकी ये पूजा करता है, इबादत करता है, मेरा शरीर ठहराता है, कहाँ से लाया ये? इन्होंने पैदा किया इसे या मैंने किया था? मैंने इसे इतने बेटे दिए जो हर वक्त इसके लिए हाजिर रहते। इनके 10 से 12 बेटे थे वलीद इब्न मुगीरा के। इतना ज्यादा इसे रिच बनाया, इतनी ज्यादा दुनिया में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं इतनी ज्यादा इसे अता की, तब भी ये लालच रखता है कि मैं इसे और अता करूं। और इस बात का प्रूफ कि लालच रखते थे, इस बात का प्रूफ हमें इस बात से मिलता है कि हसन बसरी और बहुत सारे बड़े लोगों का ये कॉल है कि ये इंसान जो था वलीद इब्न मुगीरा, हजरत खालिद ने जब ईमान लाया वो तो उनको ताने पड़े, कैसे तिलावत करेंगे ऐसी किताब की। ये हमें मिलता है हिस्ट्री में कि हजरत खालिद जो है, अब इस्लाम भी देखिए ना, अच्छे अच्छों के अकड़ तोड़ देता है, अच्छे अच्छों को झुका देता है। एक गुलाम हजरत सालिम उनके पास जाते हैं हजरत खालिद कि मुझे कुरान सिखा दो, और अल्लाह और हजरत खालिद ये कहते हैं उनसे, हजरत सालिम से, कि मुझे सबसे पहले तुम वो आयात सिखाओ जो मेरे बाप के लिए नाजिल हुई। वो मंजर सोचने लायक और देखने लायक है जो कि जब हजरत सालिम उनके बाप के खिलाफ उतरी हुई आयात को, जिसमें अल्लाह उनको इतनी ज्यादा बड़ी धमकी दे रहा है कि मैं उस इंसान को आग में डाल दूंगा जो उसे खत्म कर देगी, रोन देगी, झुलसा देगी, जहां ना कोई मुर्दा रहता है ना जहां कोई जिंदा रहता है, ऐसी जहन्नम में उसे डालूंगा। और हजरत खालिद खुद कहते हैं, जिगर चाहिए इतनी बड़ी बात, हजरत खालिद खुद कहते हैं कि मुझे वो आयत सिखाओ सबसे पहले। और जब वो आयत सुनते हैं तो उन्हें इतना ज्यादा रोना आता है, इतना ज्यादा रोना आता है, उनका रोना नहीं रुकता, उनके आंसू नहीं रुकते, और वो बुरी तरह कपकपा रहे होते हैं और पसीने छूट रहे होते हैं उनके। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुरान हमेशा ही उन लोगों के वक्त में एक ऐसी ही चीज थी कि जिसको जो सुनता था उसको उसके आंसू ही गिरते थे और उसके दिल ही मोम पड़ते थे, चाहे कि वो मुशरिक ही क्यों ना हो, चाहे छुपके ही क्यों ना रोए, चाहे कि छुपके ही क्यों ना कहें कि ये अल्लाह का कलाम। लेकिन आज हमारे लिए वो किताब ऐसी नहीं रहेगी, बड़ी मुश्किल से ही कभी हमारे आंसू निकल आए, या कोई वक्त हम पे ऐसा टूट पड़े जब हमें बड़ी कुर्बत हो जाए अल्लाह से, तो कुछ महीनों के लिए हमारे आंसू बहने लगे, बाद में फिर हम वैसे रास्ते पे। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, जिस चीज का ताना मारा था लोगों ने हजरत खालिद को, उन्होंने वही काम किया कि मुझे सबसे पहले वो आयात सुनाओ जो मेरे बाप के लिए उतरी है, और बहुत ही कपकपा देने झुलसा देने वाली बात है कि अपने बाप को जहन्नम में फेंका जाएगा, जला दिया जाएगा, मार डाला जाएगा, सुन के किस इंसान की क्या हालत हुई होगी। तो ये वो कंटेक्स्ट था जहां पे हमें ये पता चलता है कि हमास का रोल प्ले करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने हुमजा लुमजा एक्सट्रीम पे जाके किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके मैसेज के साथ, उनके लिए क्या आयत नाजिल हुई। मोहम्मद अशौकानी रहमतुल्लाह अलैह ये जो बात बताते हैं, ये यमनी स्कॉलर हैं, यमनी अरबिक स्कॉलर, ये बताते हैं कि वाइल जो यूज हुआ है यहाँ पे वो नकेरा है। अगर अल वाइल यूज होता जो कि मारिफा होता, नकेरा होता है जहाँ पे अलिफ लाम नहीं ऐड है, आगे एडेड है, अलिफ लाम एडेड नहीं है तो वो नकेरा है, अलिफ लाम एडेड है तो वो मारिफा है। तो शॉर्ट में मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे अल वाइल नहीं यूज हुआ, जो कि नॉर्मली सेंटेंस क्या बनता है अरबिक में, यूसेज क्या है, द डिस्ट्रक्शन, द कर्स। यहाँ पे अल वाइल नहीं यूज हुआ, द डिस्ट्रक्शन नहीं यूज हुआ, क्योंकि अगर वो मारिफा यूज होता, मारिफा जैसा सेंटेंस होता अगर, तो फिर डिस्ट्रक्शन डेफिनेट हो जाता। मतलब सेंटेंस का मीनिंग ये हो जाता कि जो हुमजा लुमजा करते हैं उनके लिए तबाही है ही, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे बदल नहीं सकता। द डिस्ट्रक्शन इज और हामिज एंड लामिज, हमजा लुमजा करने वालों के लिए डिस्ट्रक्शन है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी अल्लाह की हिकमत है कि उसने अल वाइल नहीं इस्तेमाल किया, वाइलुन इस्तेमाल किया, वाइलुन यूज किया। अब वाइलुन में दो पॉइंट्स, एक ये कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बन गया, मतलब जो ये करेगा तो उसके लिए ये सजा होगी, जिसका कि दूसरा ऑब्वियस मीनिंग ये है कि जो नहीं करेगा उसके लिए नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि जो ये करेगा उसके लिए ये होगी, मतलब जो नहीं करेगा हो सकता है उसके लिए ना हो।
दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इसमें प्रेयर के एलिमेंट शामिल है, जैसे कि इसको एक्सप्लेन करते एग्जांपल से, जैसे कि सलाम वालेकुम बोलते हैं हम लोग, अस्सलाम वालेकुम, तो इसका मतलब क्या है, मे पीस बी अपॉन यू, आपके ऊपर सलामती हो। वैसे ही वैलून क्या है, उस इंसान के ऊपर तबाही हो। ठीक है, तो इसमें मे वाला जो एलिमेंट है ना कि हो, ऐसा नहीं है कि अभी भी है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह हमसे 70 माह के बराबर मोहब्बत करता है, कोई खेल नहीं चल रहा कि बस दिल आया, गुस्सा आया और फेंक दिया जहन्नम में। ये इंसानों का काम है जरा जरा सी बात पे गुस्सा होके कुछ भी किसी को बोलना, किसी बात पे रिश्ते तोड़ देना, किसी बात पे भी बुरा मान जाना, किसी बात पे भी कुछ भी कर देना। अल्लाह इन सबसे बहुत बड़ा, बहुत पाक है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे वैलन इस्तेमाल किया, अल्लाह मौके ढूंढता है कि इंसान को किस तरीके से मैं माफ कर दूं। और जब गुनहगार बंदा अल्लाह की तरफ तौबा करके जाता है तो अल्लाह इस्तकबाल के लिए ऐसे खड़ा होता है जैसे कि उसका बिछड़ा हुआ दोस्त मिल रहा हो उससे। तो हमें अल्लाह की ना मोहब्बत की, यहाँ पे जो हमें मोहब्बत दिख रही है ना, उसकी कदर लानी दिल में कि अल्लाह हमसे वाकई में बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि वायलो ने इस्तेमाल किया, अल वायल नहीं किया। तो रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा, अल वायल क्यों नहीं किया, क्योंकि डिस्ट्रक्शन डेफिनेट हो जाता, होता ही। वायलून किया ताकि डिस्ट्रक्शन को थोड़ा ओपन रहने दे, कि जो चाहता है कि बचना, जो भी बचना चाहता है वो उस चीज को खत्म करे अपने अंदर से, इन बुरी आदतों को मिटाए, ताकि उसको इस डिस्ट्रक्शन से दो चार ना होना पड़े। वैसे ही इसके बारे में एक और पॉइंट है मारिफा और नकरा को लेके, वो ये पॉइंट है कि मारिफा में जो सेंटेंस होता है वो क्लोज हो जाता है और नकरा में जो सेंटेंस होता है वो ओपन छोड़ दिया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मारिफा में रिपीट कर रही हूँ, मारिफा क्या है, जिसमें अलिफ लाम एडेड होता है स्टार्टिंग में, और नकरा क्या है, जिसमें अलिफ लाम एडेड नहीं होता। ठीक, अच्छा, अब एग्जांपल, फाहिशतन इज एनी एक्ट ऑफ शेमलेसनेस बाय हैंड्स आईज इयर्स एटसेट्रा, मतलब, एंड व्हाइल अल फाहिशा इज द फाइनल क्राइम ऑफ शेमलेसनेस दैट इज ज़िना। अब इसका मतलब ये है कि जो फाहिशतन है, ठीक है, उसमें वो सारे एक्ट्स आ जाएंगे शेमलेसनेस के जो एक सीढ़ी बनते हैं फाइनल क्राइम जो है शेमलेसनेस का वहां तक जाने में। ऐसा नहीं होता, और बिल्कुल लॉजिक से परे बात है। और इसकी लाइट में अगर हम इस्लाम के अहकाम देखें जो कि पर्दे को लेके बताए गए हैं, एक नामहरम का, एक नामहरम मर्द का और एक नामहरम औरत का साथ जब होता है तो उसमें तीसरा शैतान होता है। नामहरम औरत, नामहरम मर्द काबा में भी इजाजत नहीं कि कुरान पढ़ाने के लिए भी साथ, ठीक है, इतना स्ट्रिक्टली सेपरेशन बताया गया, वो किसी वजह से ही बताया गया, अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये था बताने का कि ऐसा नहीं होता कि कोई डायरेक्ट अडल्ट्री या फोर्निकेशन तक जा रही है बात, वो शुरू होती है किसी ना किसी मरहले पे, कुछ इंसान लेवल्स तय करता है, फिर जाके एंड अप करता है फाइनल बहुत बड़े अल्टीमेट क्राइम में। अब जो ये बात हो रही है बाय हैंड्स आईज एंड ईयर्स, तो जिना से फाइनल फिजिकल इलीगल फिजिकल रिलेशन नहीं होता। अगर हाथों से छूना या आंखों से देखना या कानों से सुनना इस डिजायर के साथ, इस इलीगल डिजायर के साथ, तो वो भी आंखों का जिना, हाथ का जिना और कानों का जिना है, जिसे हम समझते नहीं जिना अपनी सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो स्टैट्स है वो बढ़ती ही जा रही है फाइनल एक्ट जो है क्राइम का उस पर लेके, जो कि फाइनल अडल्ट्री या फोर्निकेशन। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ ये है कि फाहिशतन कंप्राइजेस ऑल द स्मॉल एक्ट्स दैट लीड्स टू द फाइनल क्राइम, एंड अल फाहिशा इज द अल्टीमेट क्राइम, द फाइनल क्राइम। वैसे ही वायलेंस जो है, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसमें बहुत तरीके के छोटे छोटे डिस्ट्रक्शन आते हैं वायलेंस में, लेकिन जो अल वायल है वो एक तरीके का स्पेसिफिक और अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन है। ये क्लियर हुआ आपको कि अल वैल नहीं बोला, तो ये बहुत बड़ी हिकमत है अल्लाह की कि एक तो डिस्ट्रक्शन होता ही होता और दूसरा सबसे बड़ा, सबसे पीक पे जाके डिस्ट्रक्शन होता। तो वैलून बोला कि हो सकता है डिस्ट्रक्शन ना हो अगर तुम अपना ये रवैया बदल दो, अगर तुम गइबत करना छोड़ दो, अगर तुम बुरे काम, किसी को हर्ट करना, किसी की 24 घंटे गलतियां निकालना, किसी को इतना जहनी तरीके से परेशान कर देना, उसकी गलतियां बता बता के, उसे नीचा दिखा दिखा के, अपनी इम्पोर्टेंस दिखा दिखा के कि मैं ये काम, भाई मैं तो परफेक्ट, आई एम परफेक्ट,
तुम तो कुछ नहीं मेरे सामने। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हम छोड़ दें, चाहे आंखों से, चाहे जबान से, चाहे हाथ से, तो फिर ये वायलिन ही है, ये डिस्ट्रक्शन हट सकता है। और ये छोटे 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 डिस्ट्रक्शन रहेगा, ये बहुत अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक आपका होमवर्क है कि आपको वायलिन याद रखना है और अल वायल याद रखना है। ठीक है, अल वायल ना रखें, वायल रखें। ठीक है, क्या रखना है आपको याद? एक तो वर्ड वायलिन याद रखना है और वायल याद रखना है। वायलिन किस सेंस में रखना है? ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के सेंस में, जो कि आपको आयत 4-9 क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से छोटे छोटे काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और वायल आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी आपको मैं एक बहुत ही खतरनाक सी, स्ट्रेंज सी चीज दिखाने जा रही हूँ दो स्लाइड्स के बाद। ठीक है, तो इसे आप अभी याद रखें फौरी तौर पर वायल को, और वायलिन आप अपने दिमाग पर जरा डाल लें पीछे, इसको स्टोर रखें, इसको हम आयत 4-9 जब डिस्कस करेंगे तब इसको वापस ले आइएगा बाहर, तो हम उसकी लाइट में देखेंगे कि वो क्या क्या डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, अब हुमजा, लुमजा, खुतमा, यहाँ पे आप देखें अगर, तो मैंने रेड करा हुआ है लास्ट का जो ता मजबूता है, इसकी जो साउंड निकलती है वो हा की साउंड निकलती है, हुमजा, लुमजा, खुतमा। ठीक है, ये जब ता मजबूता आ जाता है, इसकी एक क्वालिटी ये भी है कि ये जिस चीज के आगे लग जाए वो बहुत ज्यादा होती है, उसमें शिद्दत होती है और बार बार होती है और एक्सट्रीम पे जाती होती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा उस चीज। ठीक है, एंड दिस रिदम कंटिन्यूज थ्रू आउट द सूरा, और ये जो रिदम है अगर आप गौर करें, आपको मैं 3 दिन से वो जो मैं सुना रही हूँ रेसिटेशन, अगर आप गौर करें तो हर जगह यही रिदम चल रहा है, वैलुल्ली कुल्ली हुमजा तिल लुमजा अल्लजी जमा मालहु अददा यह सब वन मालहु अखलदा कल्ला लयम बजन फिल खुतमा वमा अदराक मल खुतमा नारुल्लाहिल मुक्तदा अल्लती तत्वली वलल इफ्तिदा इन्हा अलैहि मुक्सदा फी अमदिम मुमद्ददा। ठीक है, तो पूरा जो कंटिन्यूसली जो रिदम चल रहा है वो कौन सा है? ता मरबूता, जहाँ पे हा की साउंड निकल रही है, और इसमें सारी ही चीजें बहुत ज्यादा होने वाली। ठीक है, और अगर आपको याद हो हमने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, कि इसमें जो कॉन्सिक्वेंस बताया है उस इंसान का जो लॉस में, वो इस तरीके से बताया है कि पहले उसकी क्वालिटीज बताई है, फिर उसका क्या हशर होने वाला है वो बताया, तो उसको पढ़ के इंसान आसानी से कंक्लूड कर सकता है, मेकआउट कर सकता है कि वाकई में ये चीज करने वाले का यही हशर होना चाहिए, ये चीज करने वाले का जो पनिशमेंट होना चाहिए वो यही होना चाहिए, लॉजिकली हर इंसान यही कहेगा। ठीक है, तो यहाँ ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हुमजा और लुमजा का जो पैटर्न है वो हुतमा से मैच कर रहा है, और हुतमा अगर आपको याद हो तो क्या है, वो हुतमा में झोंक दिया जाएगा, और तुम क्या जानो कि हुतमा क्या है? अल्लाह की जलाई हुई आग। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ बहुत ध्यान रखने वाला है कि जो यहाँ पे क्राइम हो रहा है वो पनिशमेंट से सेम है, एकदम अलाइंड है, पैटर्न ऑफ क्राइम इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ पनिशमेंट। तो जो कुरान की अरबिक है उसमें कोई खेल नहीं है, कोई भी वर्ड कैसे भी यूज हो गया, ये सबसे पाक जात अल्लाह का कलाम है, वो एक हरूफ और एक जबर पेश जेर बिना किसी हिकमत के नहीं लगाता। ठीक है, यहाँ पे एक एक जेर का मतलब है, एक एक जबर का मतलब है, और एक एक पेश का मतलब है, और एक एक हरूफ का मतलब है। और यही इसका रेटरिकल मीनिंग है कि जो हम कॉन्सिक्वेंस लॉजिकली निकालते हैं कि जैसा पनिशमेंट होना चाहिए इस इंसान का, वैसा ही ये हरकत कर रहा है, या जैसे ये हरकत कर रहा है वैसा ही पनिशमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वही हमको अभी आगे पता चलेगा सेकेंड और थर्ड आयत के बाद कि क्या क्या इसने किया है, सेम वही उसी तरीके पे उसी नहज पे से सजा मिली। दैट इज द पैटर्न ऑफ क्राइम इज इक्वल्स टू पैटर्न ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वायलिन आप याद रखें, वो हम 4-9 पे डिस्कस करेंगे, वायल याद रखने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, तो वायल जो है मोहम्मद अशौकानी अपनी कमेंट्री फतल कदीर में कहते हैं एक फेमस वैली है हेल फायर की, मतलब ये वायल जो बोला गया ना ये भी बिना मकसद नहीं बोला गया, और ये जो मैं बार बार बात बोल रही हूँ कि जो पैटर्न ऑफ क्राइम है दैट इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ पनिशमेंट, ये भी बिना मकसद नहीं है। वायल क्या है? डिस्ट्रक्शन ना, और वायल ही एक हेल फायर की सबसे निचली वैली है,
It is the lowest pit in the hellfire. Hellfire itself seeks protection from it and is the place reserved for Hamis and Lamis. जो सजा बताई है हुमजा लुमजा करने वाले के लिए वो ये सजा है, सबसे निचली खाड़ी आग की, जिसे वाइल बोला जाता है. एंड इट इज, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि उसको यही बोला, अल्लाह ताला ने वाइल बोला और वाइल एक खाड़ी है जन्नम की, ये कोइंसिडेंस नहीं है. और ये इतनी ज्यादा शदीद और इतनी ज्यादा खतरनाक आग है, इतनी ज्यादा खतरनाक आग है, जहन्नम का ये हिस्सा इतना ज्यादा खतरनाक है कि हमें बहुत सारे प्रोफेटिक नरेशंस मिलते हैं अकॉर्डिंग टू नाम शौकानी, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो हेलफायर का हिस्सा है, जहन्नम का हिस्सा है, वो अल्लाह से पनाह मांगता है अपने आप से. अल्लाह से कहता है कि मुझे बर्बाद, मुझे तबाह कर दो, मुझे खत्म कर दो. वो इतना ज्यादा खतरनाक हिस्सा है जहन्नम का. ठीक है, तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, I'm repeating it again, कि ये बिल्कुल भी coincidence नहीं है. वैलुल्ली कुल्ली हुमजतल लुमजा, ये कुछ scattered proofs हैं, ये कुछ scattered indications हैं अल्लाह के. और हम हल्का ना लें गीबत करने को, क्योंकि उसकी सजा ये, बिल्कुल भी हल्का ना लें. अल्लाह बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता है हमसे, बहुत रहीम है, बहुत रहमान है, तो मालिक यौमिद्दीन भी है, किसी के साथ जरा बराबर भी ना इंसाफी नहीं करेगा. हमने किसी का दिल दुखाया है, वो दुनिया में हमसे बदला नहीं ले सकता, तो अल्लाह उसे ऐसे ही मामला रफा दफा नहीं होने देगा. हमने किसी को आंसू रुलाए हैं अगर, तो अल्लाह उसे ऐसी रफा दफा नहीं होने देगा. अगर कोई अकेले में हमारी वजह से बैठ के रोया है, बैठ के परेशान हुआ है, तो ये आई गई बात नहीं है, दुनिया में होगी आई गई बात. Everything is on records. Everything is on records. Every insult is on records. Every tears is on record. ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कस किया सूरह हुमजा में आयत 1, वो आज वाइंड अप कर दूंगी मैं इंशाल्लाह. और ये हुमजा लुमजा की कुछ क्वालिटीज हैं जो समराइज करी है यहाँ पे, कुछ क्वालिटीज. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज है जिसकी मुफस्सिरों ने अच्छी खासी लिस्ट बनाई है, तो हम वो सारी अभी नहीं कर सकते टाइम की कमी की वजह से. तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हमारे लिए समझना आसान हो. जैसे कि हुमजा लुमजा में ये भी आता है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स. ये सब वाकिफ होंगे, ये क्या बीमारी है, अपने आप को बहुत आला दर्जे का समझना, अपने हर काम को बहुत आला दर्जे का समझना, रूड होना, बदतमीजी से बात करना, एग्जैजरेटिंग वंस ओन इम्पोर्टेंस. अब ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के नतीजे में ये होता है कि हर जगह अपनी अपना बखान करते ना, मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने किले फतेह कर दिए. एरोगेंस इन वंस स्पीच एंड बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज में और अपनी बातों में एरोगेंट होना, कभी तमीज से किसी से पेश ही ना आना. हर वक्त मुंह खुल रहा है ना, तो बस तीर निकल रहे हैं और दिलों पे लग रहे हैं जाते. बैक बाइटिंग, गीबत करना, चुगली करना, वो बहुत आम खेल है हमारे लिए. हार्श होना, इनकंसिडरेट होना, इनकंसिडरेट होना, ये इनकंसिडरेट है ना जो वर्ड, ये हर किसी की बीमारी आजकल ज्यादातर, कि हमारे अंदर ना डिसेंसिटाइजेशन हो गई. अगर कोई काम नहीं कर पा रहा ना, तो हमारा दिमाग इधर जाएगा कि लेजी है, ये नहीं जाएगा कोई प्रॉब्लम हुई होगी. अगर किसी का मूड थोड़ा बना हुआ है ना, तो इधर नहीं जाएगा कोई परेशानी होगी, इतना सीरियस है, हंसता रहता है, हमेशा कुछ बात हो गई होगी, उल्टा दिमाग चलेगा कि ये मेरा कुछ है रिलेशन से. किसी की प्रॉब्लम ना समझना, अपनी ही सोच में मग्न रहना, अपने ही दिमाग से बातें बनाते रहना, और फिर रिलेशन खराब करना, और फिर किसी को कुछ भी बोलना या आंखों से परेशान करना. एक्सप्रेसिंग एडवर्स एंड डिसअप्रूविंग कमेंट्स और जजमेंट्स, किसी के खिलाफ ऐसे जजमेंट्स पास करना, ऐसे कमेंट्स पास करना जो कि नेगेटिव है और दूसरे को किसी भी तरीके का अप्रूवल नहीं देते, बस उसे निगेट कर रहे. खाना बनाए तो बुरा है, काम करे तो बुरा है, खुश होके बोले तो उसमें भी कोई वजह है. ठीक है, ये बहुत आम है. कॉलिंग पीपल बाय नेम्स दे डोंट लाइक, लोगों को ऐसे नाम से बुलाना जो उन्हें नहीं अच्छे लगते, ये भी हुमजा लुमजा में आता है, लेकिन ये बहुत कॉमन. मेकिंग फन ऑफ वन सिटिंग नेक्स्ट टू इवन विद आईज, और हुमजा लुमजा जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ हाथ और मुंह का काम नहीं है, ये आंखों से भी किया जाता है. इंसल्टिंग,
और इंसल्ट करना, किसी को बेइज्जत करना अभी किसी भी लेवल पे जाके हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे अगर बोला जा रहा है किसी को उल्टा सीधा तो वो इंसल्ट है, छोटे लेवल पे भी हो सकता है, एक बार बोल के भी हो सकता है, प्यार मोहब्बत से ना बोल के भी किसी को इंसल्ट फील कराया जा सकता है, इंसल्टेड फील कराया जा सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज है और ये ज्यादातर जो की जाती है ना वो दो ही वजह से की जाती है, या तो कोई हसद में मुबतला है, अपने आप को बेहतर समझ रखा है, किसी और की बेहतरी बर्दाश्त नहीं हो रही, अपनी कोई जगह उस जगह पे कोई बर्दाश्त नहीं हो रहा, या फिर मजाक में किया जाता है। और ये कुछ एनिमेटेड आइकन्स है अगेन टू शेयर कि हुमजा लुमजा क्या हो सकता है, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे देख के। जैसे फर्स्ट फोटो में, मैं इसे बैक करती हूँ, जैसे फर्स्ट फोटो में यहाँ पे गॉसिप हो रही है और ये बेचारी इधर जो खड़ी हुई है इनका दिल बाहर आया जा रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, ये इधर जलील किया जा रहे हैं, ये अपने सर्वेंट को सर्वेंट पे येल कर रही है एंड ही इज थिंकिंग के मैंने किया क्या, ये इधर बुली हो रहे हैं, ये देखिए ये इनकंसिडरेट का ना ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज हमें जो फोन का जो ऑब्सेशन है ना, अभी ये हालत होगी हमारी कि कयामत भी आ रही होगी ना तो हम फोटो ले रहे होंगे पहले कि किस तरीके से आसमान फटा, किस तरीके से समुद्र फटा, किस तरीके से वेव्स उठी, किस तरीके से जमीन खुली, किस तरीके से जैसे लोग भाग रहे हैं, किस तरीके से पहाड़ उड़ रहे हैं, है ना, ये जो बिल्कुल डिसेंसिटाइजेशन हो गया है इंतहा दर्जे का, उसकी जान निकली जा रही है, वो मर रहा है, सेल्फी ले रहा है। इस इनकंसिडरेट के ना एग्जाम्पल हम आगे सेकंड और थर्ड आयत में देखेंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़े लेवल पे जाते। फिर अगेन शाउटिंग, और ये भी इनकंसिडरेशन का ही एग्जाम्पल, कि वो कुछ कह रहे हो तो स्टोन हेडेड, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो चीख चीख के परेशान, जैसे जनता चीख चीख के परेशान है, ठीक है। तो ये कुछ हुमजा लुमजा की क्वालिटीज थी जो हमने कोशिश की है कि थोड़ा अच्छे अंदाज में शॉर्ट में ला पाए सामने, अपार्ट फ्रॉम जो कि क्लासिकल स्कॉलर्स ने बोला है उसी की लाइट में है ही, लेकिन थोड़ा आसान बना के। अच्छा, अब ये आज ये वाइंड अप हो गया है, जो आयत वन थी ये आज वाइंड अप हो गई, हम नेक्स्ट टाइम पे जो स्टार्ट करेंगे वो सेकंड और थर्ड आयत करेंगे, और जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर 4-9 आयत। अब ये जो हमने आयत वन की थी इसमें हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया, एक क्वालिटी डिस्कस की, ठीक है, कौन सी, हुमजा लुमजा, जो हुमजा लुमजा करते, ठीक है, वो बंच ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो इन दो चीजों, इन दो वर्ड्स के अंदर आते हैं, और बंच ऑफ पीपल जो इनके अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो ये कि वो माल क्या करता है, जमा करता है और इकट्ठा कर करके रखता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये मेरी लाइफ सिक्योर कर देगा, मुझे कभी मौत आनी नहीं है, मैं सिक्योर हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो सेकंड और थर्ड आयत जो हम करेंगे इंशाल्लाह।